पेपर जो उन्वान आहे सिंधी ॿोलीअ जूं उपभाषाऊं। पेपर पढ़ंदो आहे डॉक्टर जयपाल लालवाणी ऐं डिस्कशन कयल गुरनाणी ऐं हाणे मां जयपाल लालवाणी खे दावत ॾियां थो त हू पंहिंजो पेपर पेश कयो। आदरणीय सदर साहब डॉक्टर जगदीश लछाणी, मानवारी मुंहिंजी भेण बीना सरंगी, मुंहिंजो नंढपण जो साथी विराज गुरनाणी, असांजी अकादमी जी वाइस चेयरमैन मोनी मोरानी, मुंहिंजो वॾो भाउ असांजी हीरो ठाकुर, मुंहिंजा विद्वान दोस्तो भेनरूं ऐं भाउरूं ऐं नियाणी, सभिनी खां पहिरीं मां हिकिड़ी इजाज़त वठंदुसि सदर साहब खां त मां ई पेपर कला प्रकाश खे अर्पण करणु चाहियां। बसि हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी चवणु चाहींदुसि जेका कल्ह चई वई, मुंहिंजे पेपर में त हुनजो हवालो ईंदो पर उहो क्लियर करणु चाहींदुसि। ईअं चयो वियो आहे त ग्रेजुएशन खां पोइ ॿोलियुनि जी सर्वे कोन थी आहे, इहो सच आहे। पर असांजे बड़ौदा में हिकिड़ी भाषा आहे संस्था आहे भाषा नाले ऐं हुनजो देवी डॉक्टर देवी हुनजो हेड आहे, उन पीपल्स लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे पंहिंजी संस्था जी मैसेज हुन कन्हैयालाल लेखवाणी खे जिनखे हिन ॻाल्हि जी ॼाण आहे त हिंदुस्तान में जेके बि ॿोलियूं आहिनि स्टेट में कंहिं बि स्टेट में हलनि थियूं उहे जिनखे लिपी आहे उहे या जेके असांजी कॉन्स्टिट्यूशन में क़बूल कयल ॿोलियूं आहिनि उन उन्हनि खां सवाइ जेके डायलेक्ट्स आहिनि उन्हनि जी बि सर्वे हुन हींअर जेको आहे सो शुरू कई आहे, जंहिंमें नंढे में नंढा कबीला बि जेके आहिनि उन्हनि खे बि उन्हनि जेको आहे सो खयो आहे। हा पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उन में पहिरीं असांजा डॉक्टर लक्ष्मण गुप्तचंदाणी हुन में इनवॉल्व हुआ ऐं उन्हनि जे कोशिशुनि सां ई उन्हनि जी महिरबानी सां हींअर मां ऐं उन में थोरो कमु करे रहियो आहियां, जंहिंमें सिंधी ॿोली जूं सभु डायलेक्ट्स हुन में त सिंधी ॿोलीअ जूं डायलेक्ट्स जेके कच्छ इलाइक़े में जैसलमेर बाड़मेर में आहिनि उन्हनि ते बि जेको आहे सर्वे ऐं कमु शुरू थिए पियो थो ऐं हिकु वॉल्यूम हुनजो छपिजी वियो आहे जेको 800 पेज वॉल्यूम आहे, जंहिंमें 192 डायलेक्ट्स लैंग्वेजिस जो गुजराती में अची वियो आहे। ॿिया बाक़ी जेके भाङ आहिनि हर स्टेट जा थोरनि ॾींहंनि में अचणा आहिनि, उहे सिंधीअ गुजरात हर लैंग्वेज माना मकानी राज्य भाषा में अंग्रेजीअ में ऐं हिंदीअ में ट्रांसलेट कंदा। इहो कमु माना जेको आहे हींअर इहा ॻाल्हि ॼाण ॾियण जे लाइ मां छो हुनजो मूं हुन में ज़रूरु कयो आहे त ओॾी महिल मां वाज़े न करे सघां इन करे मां इहो वाज़े कान थो चाहियां। सिंधी ॿोलीअ जूं उपभाषाऊं डॉक्टर गुलाम अली अलाना पंहिंजी ॿोलीअ जे लिसानी जाग्राफ़ीअ में ॼाणायो आहे त कोट आहे, कंहिं बि समाजी ग्रोह में हिक ॿिए सां ताइवनि लाइ इंसान जाती ज़ुबान मां निकितल आवाज़ जे सिरिश्ते खे ॿोली सघे। ज़ुबान हिकु दफ़ो हिकु ज़रियो आहे जंहिंजे वसीले हिकु इंसान जी तलब जो ॿियो इंसानु जवाबु माना रेस्पॉन्स ॾिए थो। ज़ुबान तहज़ीब ऐं तमदन जो बुनियादु आहे, ज़ुबान ख़्यालनि जे इज़हार जो वसीलो आहे, ज़ुबान जे अमल सां ई हर का क़ौम बणिजे थी। अगरि असांखे कंहिं क़ौम जे तरीक़नि लिबास खाध खुराक खते ऐं माहौल जी ॼाण हासिलु करणी आहे त उन क़बीले क़ौम मुल्क जी ज़ुबान जे मताले मां ई ॼाणी सघिजे थो। अनकोट ॿोली सिर्फ़ु राब्ते जो ज़रियो न पर इंसानी ग्रोह क़बीले क़ौम समाज जमायती सुञाणप जो ज़रियो बि आहे। ॿोलीअ सां ई सियासी मुआशी सखाफ़ती मुफ़ाद वाबिस्त आहिनि। इहा ॿोली आहे जेका इंसानी ज़िंदगीअ इंसानी ज़िंदगीअ ऐं सगर जो ज़रियो आहे। अमेरिका लिसाननि जे माहिर ब्लॉक ऐं टैगर ॿोलीअ जी वसप वरी हिन नमूने ॾिनी आहे, कोट, लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिम्बल्स बाय मीन्स ऑफ विच सोशल ग्रुप को ऑपरेट्स, अनकोट। सिंधी ॿोली ऐं ज़ुबान सिंध ऐं सिंधियुनि जी ज़ुबान आहे जेका सिंध ऐं उनजे आसपास जे वॾे हिसे में ॻाल्हाई लिखी ऐं पढ़ी वञे थी। जीवन जो कारोबार सिंधीअ में हलंदड़ आहे। सिंध प्रदेश जे ओलह में बलोचिस्तान, ओभर में राजस्थान, उत्तर में लहदाबाशी, ॾखण में गुजरात वग़ैरह सूबा आयल आहिनि।
सिंधी बोली सिंध के सरहदी इलाकन सा गड सिंध के जुदा जुदा मानन में भी गाली वे समन के डी में सिंधी बोली जो हदू लताड़े परे परे तक पहुंच सिंधी बोली सिंध के सरहदी इलाकन सा गड सिंध के जुदा जुदा भाग में गाली वे थी समन के डी में सिंधी बोली सिंध जो हदू लताड़े परे परे तक पहुंची दखण ओभर में काठियावाड़ मानावदर राजकोट जामनगर तीन सिंधी जुबान की निशानदेही थे थी ओलह उत्तर ओलह के कलात सब्बे ए कच्छ ए भागनाणी इलाकन में भी फैली दखण ओलह में लस पेले मकरान तरफ तो वरी उत्तर में बहावलपुर ए मुल्तान तई फैली जो कल वो तो कश्मीर तीन सिंध जो सरहदू हुई बोली एक बहंद दरिया है चवणी है पन्े कोहे बदलियल पानी बारह कोहे बोली आम तरह इो भी वायपे में है तो खाली जनरली चवंदा बारह कोहे बोली भी यह हकीकत है तो एतरे मुफासिले से बोली के उच्चारण लहजन में असंगे किथे घणो किथे थोड़ो फर्क जो नजर अचे तो बोली के तफावत के मद्देनजर बोली जो उपभाषाओं मुहावरा जोड़िया वे हैं न सिर्फ उपभाषाओं पर उपभाषा जो भी उपभाषाओं असंगे हासिल थे थी जैसे सब डायलेक्ट्स चो तो वे सिंध के हद अंदर उन सरहद इलाकन में सिंधी जहाँ केतरा ही मुहावरा आराधियों लहजा ए डायलेक्ट्स मिलन था यह भी एक हकीकत है तो बोली जहाँ जुदा जुदा लहजा कें हद तैंो असर घटाए भी छींदा इतने यो चवण भी गैरवाजिब न थो तो कें भी मुल्क सूबे खते की बोली उन लहजन ए मुखल्फ लहजन में कम ईंदड़ मुहावर के अभ्यास लाए लसानियात के विद्वान ए तैलीमदान के उसूल भी मुकर किया जे इन रीत आन हाकमन की बोली हुजन सागी हुकूमत के विद्वान ए तैलीमदान के उसूल भी मुकर किया रीत आन हाकमन की बोली हुजन सागी हुकूमत सागी सियासी हालतू समाज ए मजहबी मेल जोल वणज वापार सागु जाग्राफी हालतू सागु रस्म रवाज बाहमी शादियों आबादी की लड़ पलान मयारी बोली जैसे आला तबके वाली बोली जहाँ अदबी ए तेलबी मयार के वधाए थी अंग्रेजन मजकूर उसूल ए कारण के आधार से सिंधी जहाँ जुदा जुदा लहजा उपभाषाओं मुकर किया सिंधी मूल भाषाओं जो पंजाब के पंज नंदन वागुर सिंधी ला पैं शुरुआत में जो अस मिलन था उ पंज मुख्य शाखाओं कबूल कर जानल सरेली माना उत्तरादी विचोली लाड़ी लासी ए कच्छी उत्तर सिंध या अपर सिंध के सिंधी बोली की सराइकी ए बोली जहाँ लफ्ज़ जजब की वह जॉर्ज ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अठे शेड्यूल में सिंधी बोली के मुहार जो अभ्यास वरी इन रीत पेश किया है मयारी विचोली सराइकी सरेवारी थारेली लाड़ी लासी ए कच्छकी यह एक मान्यता है हकीकत भी है तो दुनिया के हर बोली के उच्चारण जुमलन के सरसी ए नहवी अलर्दगियों सबब ही केतर मुहावर उपभाषाओं उपभाषाओं डायलेक्ट में विरायल होंगी है मयारी मुहावरों वो है जो कें जे समझ समझण जड़ो चिट्टो अमली अदबी ए तैलीम सिस्टम का माध्यम हो सिंधी बोली जो बाख्तियार अदारा सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी हैदराबाद वारन सिंधी बोली जी गाले थी उन मतारो कर शुरू किया है जैमें सिंध के मुखल्फ भांगन तोड़े सिंध से लागापो बन सूबाई इलाक में सिंधी बोली के पिण शामिल कयो वो है उ किताब इन छपाया उ बारह भांगा इन रीत उन्होंने सर्वे शुरू कई है उपभाषाओं की उनमें इन बारह हेडिंग्स मुकर कई जिन में कुछ किताब छपज रहे हैं कुछ अंडर प्रोसेस उन्होंने बारह कया सिबी बोली कच्छे नाड़े की बोली माथेली ओबाड़े की बोली काछे की बोली लासी ए कोहिस्तानी बोली मांजर ककराली ए खारे की बोली कच्छी सिंधी बोली थरी ढाटकी बोली उत्तरादी बोली लाड़ी बोली ए किन खास शहर की बोली ए किन खास कबील की बोली यो उन्होंने उपभाषाओं सिंधी जो विरायो जिन से कुछ काफ़ी कम थोड़ा यो जो हवालो जो उत बाख्तियारी की सिंधी बोली किताब में मिलो इन सिलसिले में तहकीक कर हर एक भागे जहाँ जुदा जुदा किताब पिण शायद क्या सिंध के हदन अंदर जो सिंधी बोली के मुहावर जो मतालो जनाब मेरूमल महचंद आडवाणी पिण है जै सिंधी जहाँ वही हेठा मुहावरा जाना सरेली उत्तरादी विचोली लाड़ी थरेली लासी
जॉर्ज ग्रेसन ई साई जो ग्रेसन वारा ही उन कबूल रखा है। डॉक्टर गुलाम अली अलाना की राय मुताबिक सिंधी बोली जो मुहावरा वही उन नमूने जो दिना उ लगभग ग्रेसन उन मेल खाइंदा रहन पर उनमें हूँ उत्तरादी सरेली विचोली लाड़ी थरी कोस्टानी कच्छी सतों लासी अलग कर बिहारियों है। डॉक्टर मोहम्मद खादम मोहम्मद दास मोहम्मद खादम ब्रोही पैंजे पीएचडी के मकाले में सिंधी बोली जहाँ सिंध जहाँ मुहावरा वही इन रीत जाना मयारी मुहावरो उत्तरादी मुहावरो माचकी मुहावरो जखदाली मुहावरो खेतरानी मुहावरो कोस्तानी मुहावरो लासी मुहावरो जगदाली लाड़ी मुहावरो लाड़ी कच्छी मुहावरो थरी मुहावरो सिबे जे खत जो मुहावरो उन पीछे पीएससी जी थीसिस आई उनमें इन नमूने थुले लेखे सिंधी भाषा विज्ञानी डॉक्टर मुलगर जेटले डॉक्टर लक्ष्मण खूबचंदाणी डॉक्टर कन्हैयालाल लेखवाणी ओपटी हीरानंदाणी सदाहत लीला रोचानाणी वगैरह पैंजे सिंधी बोली के अभ्यास के किताबन में तहकीकी मकालन में सिंधी बोली जो जिक्र कर उपभाषाओं कबूले पैंजो अभ्यास पेश करने की कोशिश कई है जेके हैं वे छह जेके कलब जिन जो जिक्र कयो वे वे सागा ही इन्हें छह कबूल किए हैं जिक्र कर दो। सरेली सिंध के उत्तर भाव वाले भांगे के सरो सड़ो वो है उन हदू सिंधु नदी के ओभर में खैरपुर का अबाड़े ताई दादू जिले के सेवण का लाड़े अबाड़े जेका कश्मीर तक लिखो वे तो सजो लाड़कानो ईरानी सराइकी ईरानी है गडो गडो शहदादकोट भी उनमें शामिल है। सरेली में कें बे वे मुआवरे वागू नंढा मुआवरा सब डायलेक्ट शामिल है। श्री बेरुमल महचंद ट्रंप के हवाले से जाना है तो सरेली बोले जहाँ उच्चारण चिट्टा है चिट्टन उच्चारण में मुराद है तो सुर आवाज नुमायान पूरी रीत कड़िया वजन था उत्तर सिरे में चबो है तो चयाऊँ दाड़ में उनको उच्चारण चौं सिरे में आया अचो सर लाड़ तरफ मुआवरे में ए या ई बया मिसाल सरु ए लाड़े जो जाति जिते तन तिन ताई जिते काई किथे सिरे जारे सिरे की जादे काडे ताडे के लाड़ी लाड़ में भी जेदा केदा तेदा वो के इसम जो बेन हंध मजबून उरे के मोन से जी रत निकती सिरे के मुआवरे जहाँ वो कई जुमला असा रीत मिलन था मन काडे पो तो वही प्यारा केदा पो वही मैं नू तो तो हेडे आ मू तू हेदा अच सिंधी में पहले शायर काजी कादन में कलाम है सचल समस्त भी काफी कलाम इन डायलेक्ट में विचोली नवाब शाह हैदराबाद जिले के सिंधु नदी के ओलह वाले क्षेत्र में विचोली जो वाहिपो है बेन लफ्जन में कहजे तो सिंध के विच वाले भागे में जो उप बोली ई वे थी तैं विचोली कोठो वे तो विचोली सिंधी की मयारी अदबी इल्मी बोली है दादू के उत्तर हिस्से का वी हेठ कोटड़ी ताई इन वाहिपो है इन इलाके के खास नवाबदा जिले के साहित्य परगड़ो भी चाहिए तो विच में होजन कर जुबान में एक किस्म जो तवाजन है उत्तर ए लाड़ जहा थोड़ा थोड़ा असर भी मता नुमाया लाड़ में चो आस उत्तर में चवन अथस तो विचोली में चवंदा अथस काके फेरमल हेठ जिक्र कर साहित्य जहाँ स्तर पहाका वही इन रीत दिना पंजो जहाँ पंज ही खुटन बारह ही खोट में होगे पहाका अवल पेट पंजो जो कोई बार बचो फुलुआ वाड़े रात विहानी गाल कंदे खाणी विचोली बोली के ठेठ बोली भी चयो वे तो ब्रिटिश युग में दस्तूरी तैलीम सरकारी कारोबार अखबार ए अदब ला विचोली बोली जो ही इस्तेमाल थे लगो विचोली सिंधी जो मयारी दर्जो हासिल कल है अज भी इनके सिंधी की मयारी बोली कर तस्लीम कर वे तो 1853 में हाणोकी सिंधी हाईवे जहाँ जोड़ी वही जै ला एक मयारी लहजो भी मुकरर किया वो जो तो सिंध में जुदा जुदा इलाक में सिंधी बोली जहाँ जुदा जुदा लहजा हलंदा हुआ उन करे अंग्रेज हुकूमत लहजन जो भी अभ्यास किया उनको मयार कथियो विचोली लाइ अंग्रेजन हैदराबादी लहजे के सरकारी तौर तस्लीम किया हैदराबादी लहजो मुकरर थे दीवान बेरूमल अडवाणी जो रो है उनको कोटा
हालांकि सिंधी की साहित्य खते वो लहजो ज्यादा मयारी है, पर सिंधी बोली की सुरत कदी ठाण वाली कॉमेडी में सरकारी तैलीम खाते कॉमेडी में जुट में हैदराबादी घना हुआ, तें करे हैदराबाद की लहजे के सरकारी तौर अहमियत मिली ए उन मयारी लहजो तस्लीम करो। इन तरह अंग्रेजों के वक्त में लहजन की पिण हद मुकरर कई वही। बोली रुगो आवाज जो वो सिरिश्तो न है जो सागे ग्रह जहाँ इंसान एक बे के मकसद समझाण रातो कायम कर जुबान में कढ़न था, पर उन निकर आवाजन के कागज से चिटण लिखण ए महफूज कर तस्लीम कल निज़ाम भी बोले रदो भी है जैसे लिपि सकिए तो। सिंधी लिपि में लहजा छापे की सूरत में महफूज क्या वह लहजो कम ब्रिटिश युग में थो है हाँ अचू लाड़ी से सिंध प्रदेश जो विस्तार समझ से वही लगे तो उनके लाड चवन उनका ब हिस्सा एक हैदराबाद जो लाड बो कराची जो लाड। कराची जिले जो सजो डाखणो हिस्सो जो केटी बंदर कराची तरफ अच्छी समुंड से मिले तो। समुंड के दखण हैदराबाद जिले के बदीन तालुके का वी गुने तालुके ती जो सजो हिस्सो इन से जुड़ियल है। इतने जो बोलिए कि लाड़ी कोठे वे तो लाड़ी मुहावरो एक वसी एराजी में पखड़ल है, उनमें के नंढा मुहावरा भी शामिल है। लाड एक सकाफती एको भी लाड़ी माना लुड़ियल या हेठ है। लाड़ के सरहद दखण में कच्छ के रण से भी मिले तो। 1947 का रस्त बंद थी वही ए लाड़ी मुहारे से पाड़ेसरी मुहावर जो असर हो उन सरहदू खुद ब खुद सोड़ू थी वही। उत्तर में बिचोलिए के मुहावरे से ओलह का लासी कोहसानी मुहावरे से ओभर का थरी ए ओभर दखण का कच्छे मुहावरे से मिलंद जिनका कुछ लफ्ज ही है मयारी है लाड़ी कयाऊँ कऊँ कयाऊँ चऊँ तरियाऊँ सरी शाह करीम ए शाह लतीफ़ के कलाम में लाड़ी जो लहजो असा नजर अचे। इन खां सवाइ लाड़ी मुहावरे में मखदूम अहमद भुट्टी भट्टी सावण फकीर मोहम्मद अली खान कालपुर अहमद मला अली मुर्दा चांडियो वगैरह शहरों जो जुड़ियल मिले तो। कले फाटो कंजरो मथो उघाड़ो मुझो कुजाड़ो भेनर इन भंभोर में माड़ू डेही मेमण डे मुखे कदा कोहर जो छोरी है छो सापू थी पेर दे शाह साहब के लाड़े की सिमराड़ी ठीक है। शाह साहब के लाड़ी लहजे जब किस्म सिंध के ओभर में खैरपुर छाछरो दीपलो उमरकोट मिठी ईरानी मिठी एराजी ए उन गु हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों कच्छ जैसल में बारमेर वगैरह थर कोठो वे तो। इन इलाक में थरी उपबोली गई वे थी लाड़ वो थर में कोई सकाफती एको है। थरी में जै तै कें कदें बदर जी तीन तीन ए कदें वो है। लाड़ जहाँ मेघवाड़ आचार के उचार सोमवार को सुमार हीरो के हेर बचल के बचा चवंदा रायजन हरिजन डट के मुनासब से अक्सर थरी बोले के डाटकी सदो है। हकीकत में डाटकी बोली भी आए थरी मुहावरों इलाके इलाके में फर्क है। शाह के रसाल में थर जो ब अदबी कसूसतू हैं एक सुर सारग में ए सुर मारी में इं तो इन बिन्हीं गाल बन के अनेक शहर गायो है, पर शाह साहब जो अदबी मयार सभी का मथा है। थर बोले थर की बोली सकाफत ए तारीख के शाह अमर कर थरी में झझे अंदाज में लोक अदब मुयसर थे। थरी के थारेली भी सदो वो है। थर में सिंधी बोली सिंधी मुसलमान ए के हिंदू जातियों खास कर लोहाना वगैरह गलाइंदा मारवाड़ी भील मेघवाड़ कोली वगैरह जो कच्छ काठियावाड़ गुजरात राजस्थान में इलाक में रहन था थर में लड़ी आयल जैसे थर की सिंधी के मुहावरे से उन्होंने असर नजर अचन था। सिंध बोली के थरी मुहावरे जो बेहतर मिसाल है एक काबड़ो लोकगीत उनका कुछ बोल इन रीत है। कोठे मथे काबड़ो लयों टे लाई पुछी पाड़े वारियन माम कर्ज पुजाड़ो चई रे बड़ा काबड़ा तू उड़ामी वन आओ वेठी वस भरा पंजे वगर त शाल भरा अची मेरे ओजली जैमें लगे थो केता वेठी चई आयम मोछी भा रे बड़ा काबड़ा तू उड़ामी वन माखी मथे विसरी मिठियो माओ ब्या यो ने जो लोक अदब किताब जो है बोल है कागड़े गीत जहाँ जिले थर पारगा जहाँ मुहारा वरी जैसलमेर जहाँ ढाटकी है इन हिस्से में मारवाड़ी बोली जो असर मिले तो। ढाटकी माना ढट की बोली ढट राजस्थानी बोली जो लफ्ज़ है
जैकी माना है रणपट सहरा या रेगिस्तान वगैरह थारेली जी नाव आए सरी सिंधी बोली जो नवप रूप जो जो थरी रेगिस्तान में गायो वे तो उन मुहार के थरेची भी सरियो वो झाटकी सिंधी है मारवाड़ी बोली जो गाडड़ साडड़ मुहावरो है पर झाटकी मुहावरो सिंधी बोली के भेट में मारवाड़ी बोली के करीब है झाटकी में गण जो अंग इन रीत एक ब तीन चार पंज छ सत अठ नव दह अग्यारह बारह तेरह ये निज अखर है प्राकृतिक लफ्ज हैं बहु कम अचन था सोडन ठकुरन की बोली है झाटकी है झाटकी मुहावरे में बेअंदाज लोक गीत लोक कहानी गाँव से गुड असके मिलन झाटकी जहाँ कुछ मिसाल वाटड़ी हथा वाटन से बरसात बरसारो मांडो थी है मांझिए मन मुझा मठा तू आओ तक तू अच त बरसारो सावन सिंध के दखण ओभर वाले कुंड वाले इलाको पार पारकर थर जो अहम हिस्सों है पारकर में जो बोली गाली वी है तेज पारकर भी चवंदा है सिंधी बोली में बावंजा अखर है पर पारकरी में अलह बे में छावंजा अखर है सिंधी ए पारकरी जो मिसाल है अदा काल आयो भाई काल आयो सना अखर लिख बातरा अखर लिख सबक पढ़ घोड़ी चढ़ सबक पिण घोड़ा मांझ गुजराती अखर जो भी असा इन में मेला मिले सिंधी बोली सिंध जो एक भरपूर जानदार ए सगारी बोली है पारकर तोड़े झाटकी मुहावरो या सिंधी बोली से नाता रिश्ता निहायत करीबी है मुहावरे के उपभाषा ए नंढे मुहावरे के उपभाषा भी सड़ो वो मिसाल तौर सिरे वाले मुहारे जहाँ नंढा मुहार हैं शिकारपुरी लाड़काई उबाड़े वाली माथे अड़े नमूने थर जो भी नंढो मुहावरो सोडिकी है मशहूर महल लेसन डॉक्टर परसे गिदवाणे पैंजे किताब सिंधी बोली की ज्यादात में जाना है तो सोडा सिंधी बोली की थरेली उपभाषा की उपभाषा झाटकी गालाइंदड़ है तो सोडा सिंधी बोली जात भाई उपभाषा के हिसाब से दिसे तो सोडा सोडकी उपभाषा गालन था सोडकी भाषा में अस गुजरात सिंधी साहित्य अकादमी है जो किताब भी लोकत हुआ किताब भी शायद कराया जो डॉक्टर परसे गिदवाणे मेहनत कर कया सोटकी रण में गाली वी है उनकर उनका जदी उ जदी जसर का भी आजी है सोटकी ए सिंधी जो है जो दर अछो रतो गाढ़ो पीरो पीलो लीलो साओ ये मिसाल है सोटकी गालाइंदर तो हल्के घाटे रंग में भी फर्क कहता है कें शहर जो रंग घाटो गाढ़ो हों तो चवंदा पको रतो ये हल्को गाढ़ो हों तो चवंदा कच्चो गाढ़ो थर जहाँ कुछ पाग आीत पाया नवल करण माना सवलो करण न्यात का छे बिरादरी का बह विहाँ जो डोरो अछूत की शादी में पीलो सबो वेठल औरतनामे औरत दावतनामे तौर मोकलो वो है मीह के मोहरी माना तारो पखी मीह जो मांझी माना सांझे जो तारो सोडन जहा गीत लोकगीतन जो किताब सोडिकी में शायद थियल है दादू दयाल के सिंधी बेतन से राजस्थानी अंग रंग चिटी तरह असंके नुमाया मिले तो कच्छी सिंध के थर पारकर नगर पारकर ए भारत में गुजरात के कच्छ ए काठियावाड़ी उपबोली कच्छी है कच्छी के अक्सर कच्छकी भी सजो वो है केतन गाल में कच्छी ए लाड़ी मुहावर एक जड़ा है कच्छवारा अज कच्छी के एक जुदा जुबान तौर लिखन था पर बुनियादी सिटा के समझी दिसजे या सिंधी की एक अहम मुहावरो है जो गृहसंत कबूल किया मिसलन सिंधी में चूँ आऊँ मना तो कच्छी में चूँ आऊँ मना तो वो मानी खाण इंदो वो मानी खेल खेण अची शाह के रसाले जो कुछ जो कच्छ सा चैलक रो है केतरा कलमी नुस्खा नुस्खा कच्छ के राग उन अज भी मौजूद है शाह के बेत में कच्छी बुआरे जो थोड़ो अस मिले तो जी करो न की कान पीनी आऊ न पजड़ी हाँ पेरी आऊ न पजड़ी जो मु रात रसाई नहीं सान केतन बेतन में लफ्ज तासर मिले तो शाह साहब कच्छ का पूरा वाकुफ हो कच्छ की शायरी से भी केतन बेतन लफ्जन में शाह जो असर मिले तो कच्छी उपबोली में पिण घो लोक अदब मिले तो प्राणनाथ पैंजो वच कलाम कच्छी मुहावरे वाली सिंधी में चयो है लासी सिंध के लास बेले कलात रियासत के थोड़े हिस्से मकरान में लासी उपबोली गाली वही थी लस वेले के मुहावरे के कोस्तान की बोली से घो रो है डॉक्टर नबी बख्श बलोच पैं बेल जहाँ बोल में
बेले की तारीख सकाफत ए शायरी जो जायजो वरतो है। लासी मुहावरे की पखेर सिंध ए बलोचान के घणन जाबड़ू इराजन से लागापियल है। बलुस्तान के एराजी ए बन सिंधी मुहावर जड़ो फराकी जखदाली ए खेतरानी शामिल है। लासी मुहावरे में मखसूस ए मुकामी लफ्ज जो भी एक खास जखीरो है जैवा अवाम की जिंदगी ए सकाफत जान चिटा मिलता। कुछ लफ्ज हैं उस्त लस्सी तसो दरा छम चश्मा अखियो छमर ककर सलो बिच ए उन लोकत वजे गुजारत हुनर के बेहतर में खास तौर मुकामी लफ्ज जो भंडार है। शाह लतीफ़ साई पैंजे कलाम में जिते बेन खतन की बोली है खे बेतन के जीनत बनाया है उत लस बेल लस ए जबल के भी न विसारो है। खास कर ससु के बयान में लासी ए गोहसानी मुहारे जो जलवो खूब पसाय है। अजकल एक ही इलाके में जुदा जुदा बोलू गालाइंदर रहन था या एक ही इलाके में मरोज भाषा जो शाखू जुदा जुदा उपभाषाओं से गड अदबी मयारी बोली से गड जुदा जुदा उपभाषाओं को भाषा में नजर अचन थी। धंधे ए जातियों के लिहाज का सिंधी की उपभाषाओं में फर्क पिण मिले तो ओडन की बोली मेघवाड़न की बोली मतवन की बोली सोटगन की बोली ओखाई बेली मेमणन की बोली कच्छी मेमणी बेली मोहणन ए मलहन की बोली वगैरह उप बोलियों तो असंखे हासिल थियन थाल के रूप में। पर अक्सर यो भी दिखो वे तो जुदा जुदा उपभाषा वाला सिंधी लिखण पढ़ने में भल मयारी सिंधी बोली जो वायपो कन था पर पैंजन घरन भाषाई इलाजन में वो पैंजी उपभाषा ही गलाइन था। अक्सर ये भी दिखो वे तो एक ही शायर अदीब की शायरी और रचनाओं से वक्त पटांदड़ जुदा जुदा उपभाषा जो असर भी नुमाया थे तो। मिसाल तौर सिंधी के पहले शायर काजी कादन के अवाली दौर जी शुरुआती सत बेत मिलल हुआ ए बैद में 1978 में जनाब महकब श्री ठाकुर की लासानी कोशिशों से जदें बया 112 बेत रोशनी में आया तदें उन बोली अगेन बेत के बोली में काफ़ी फर्क आया। अग्या बेत लाड़ी लहजे वाला बैद में हासिल थे बैत मथी सिंध वाले उत्तरादी या सरकी लहजे वाला उनमें शामिल है। विद्वान आलमन यो भी कबूल किया तो काजी कादन की बोली उत्तरादी हुई। यो भी जाहिर थी बीठो है तो काजी कादन की बोली उन वक्त की बोली सराकी ए मुल्तानी लहजन का घो मुतासर थियल हुई। यो भी साबित थे तो सिंधी जहा जुदा जुदा लहजा एक बे के असर अंदाज भी थियन था। यह भी एक हकीकत है तो भारत में विरहांगे पैदे लदे आल सिंध में सिंधु के जाग्राफी उपबोल जो तफात जरे घट खत्म पो वे वो मयारी बोली के वेझो इंदा पाया वन उन मकानी बोली जहाँ लहजा बे जो असरअंदाज थीं पा था वन माना विरहांगे का वक्त जो हालत है। फारसी लफ्जन के भेट में हिंदी ए अवाम आम वापे वाले अंग्रेजी लफ्जन का वापो पे रो है। भारत के सिंधी में गोठानी जीवत ए सिंधु से लागापियल असली निज ठेठ सिंधी लफ्ज इश्तला पहाक खेती ए पेशे जहा लफ्ज न के बराबर इस्तेमाल थन था या उ गुम थी वह जैसे उन्हें किताब कढ़ो गंगाराम सम्राट मता मुख्य विसारो किताब कढ़ो अई कुछ निज लफ्ज जो सिंध में छपो ए हिंदू में भी काफ़ी अवेलेबल है। अलबत वाली कच्छ में जिते समा सुमरा मेघवाड़ कोली सोढ़ा मतवा जत वगैरह अवाली सिंधी कौम कबीला रहन था उन्हें वट शुद्ध निजी सिंधी लफ्ज सिंधी बोली में अना भी सांझल है। तो वरी सिंधी लोक अदब में ए रोजानी जीवन में उ वायपे में भी असा मिलन था। जदीद दौर में जे हू हवा उत अना आस्ते आस्ते पहुंची रही है एडी तकड़ी न पहुंची है। सिंध में जिते सिंधी की उपभाषा जो गहरों मतालो ए खोज थी रही है उत भारत में उपभाषा के विकास वाधारे अभ्यास तरफ को भी ध्यान न दिनों वो है। सिंधी के जातियाई कबीलाई उपभाषा के तीन जो तीन संभाले सांढे ए वापे में रखने ला सिंधी साहित्य अकादमी गुजरात राज्य लासानी कम किया है वो डॉक्टर परस केजवाणी के लाइब्रेरी में बड़ी जो सिंधी लोक अदब जहाँ अनेक किताब जी सिंधी गाली वे थी उन सागे लहजे में शाये कराया वह है। उपभाषाओं सचपच पैंती अलग हस्ती रखन थी उन किताब के आधार पर चई सके तो मयारी सिंधी में जो लफ्ज अदब मौजूद हैं उनके उपभाषाओं जी जो तीन संभाले रखो है। अकादमी डॉक्टर परसे गिदवाणी लालजी हिमतू सुटर की सरपरस्ती में बोली खबरों का
मदद वी 1999 में जो कम सिंधु में न थो जब अस हिंदू में कम थो में वी सिंधी उपभाषाओं जहाँ चूंड लफ्ज कोश शायद किया है जैमें सिंधी सोडकी मेघवाड़ी जतकी ए कच्छी उपभाषा जहाँ लफ्ज शामिल कल जन कंखे भी ये कापियो खपन तो असं उन्होंने मोकले सकूँगा इन किस्म की कोशिश तैयार करने की कोशिश सिंध में भी को जैसे कि इन किताब की उतने आजिया काफ़ी थी है ये लफ्ज असाजे सकाफत जो भी हिस्सों आन इन कोश में रोजानी जिंदगी कृतकार व्यवहार वायत में लफ्ज से गड धंधे पेशे खेती चौपाल चौपाए माल वगैरह जहाँ लफ्ज दर्ज थियल है सोडकी लफ्जन जो जिक्र भेरूमल मेहरचंद आडवाणी लतीफ़ी शहर किताब में 150 का 172 पेजन जिक्र किया है लास्ट बट नॉट लीस्ट गाहव बणन वलियन जहाँ नाला साग्या मेघवाड़ी कच्छी जतकी में पिण है जिनके आडवाणी साहब थर जहाँ वण बूटा कर ये सब अक्सर कच्छ बलिय के जमीन से पिण पैदा थियन था जो सिंध में थियन था उ सागा ही इन कर सागा ही नाला असा इत भी मिलन था ए केतरा ही नालन में एक जड़ा ही भी है सिंधी में लिखल साहित्य जो वो जखीरों है पर सोडकी जतकी मेघवाड़ी कच्छी में लिखल साहित्य न जड़ो है इन कर अकादमी उन मुहावर जहाँ लोक अदब जहाँ किताब शाये करण जो सिलसिलो तैयार किया है कच्छी के जो काफ़ी साहित्य छपियल है पर वो घने भागे गुजराती अकादमी उनके सिंधी भाषा में आने की कोशिशें कर रही है हर एक भांगे के मुकामी लफ्जन इस्लान पाक की जान ए हर एक हिस्से के अवामी बोली की वाक्फियत हासिल करण से गड समाजी कम कदड़न जरई पैदाश करण ए हम जुबान थी कम करण में उपभाषाओं मदद थियन थी हर भांगे की बोली के लिखत में महफूज करण से सिंधी बोली के लुगत जो दायरो पिण वसी थे हर एक उपभाषा में लफ्ज के वे लफ्जी भंडार के सांझे रखन उन्हें जो जदीद दौर के हवाले से खोज ए मतालो करण अजोके सेमिनार ए वक्त की सिंधी बोली के घण घुरन इदारे का वक्त की तकाला करे महरबानी हवाला में पुख मददी किताब कमाना उन्होंने तस्दीक बिब्लियोग्राफी थैंक यू डॉक्टर जेठे लालवाणी जो पेपर सिंधी जो उपभाषाओं मां समझा तो इंजॉय किया होंद जैमें चंगी गालू इन खोज कर दिनों हैं हाँ असी दावत दींदी जी मेहमान हैं डिस्कशन मां पहरियों भेन बीना के दावत दींद तो वो पैंजा ख्याल बिना कें संकोच के जाहिर करें अज के इजलास जहाँ सदर डॉक्टर जगदीश लच्छाणी जी तीन मेहरबानी मकालो पढ़ डॉक्टर लालवाणी इन अलावा तबसरो कदड़ मेघराज दुलानी जी मैं थोराती आया दिल्ली सिंधी एकेडमी जी खास करे मोहिनी जी मां डॉक्टर जेठे लालवाणी मेहनत कई है अवल तो उन्होंने मुबारकू दींदस काफ़ी तफसील में वही कर अलग अलग उर्दू भाषाओं जो जिक्र कर मकाली जो उनवान सिंधी बोली जो भाषाओं ए मददी किताब उन्ह से खन ए हवाला जेके से उन्होंने अलग अलग दानिश्वर जहाँ 14 जेके दानिश्वर हैं उन्होंने मुश्तमिल नोट कया जेके कल का वी उ दानिश्वर वर वर कर अचन था इन अलावा ही मकालो 11 पेजन से मुश्तमिल पहली पेज से डॉक्टर गुलाम अली आलाना के बोली के हवाले से शुरुआत कई वही है शुरुआत में इनके तारुफ ए समझाणी बयान कल है इन बाद अमरीकी लसानियत के माहिर जो हवालो दई इन रोशनी विधी वही है उन लसानियात के विद्वान ने उसूल जो मुकर्र किया पंज शाखाओं तीन ते नज़र विधी वही है उन्होंने हवाले से सराइकी लफ्ज जज्ब थी वह वरी अंग्रेजी हवालो अचे तो
तहकीक जा किताब शाय कयल आहिनि, वरी उहे हवाला अचनि था त उन बाद काके भेरूमल जा मुहावरा ऐं ॿ टे हवाला उन्हनि जा इते अचनि था। वरी जॉर्जिन जो ज़िक्र आहे, डॉक्टर आलाना जा रिप्यूटेशन आहिनि, साॻियनि ई विद्वाननि जी राय खे वर वर करे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते दोहिरायो वियो आहे। ऐं साॻे ई नुक़्ते ते डॉक्टर मुरलीधर जेटले, लक्ष्मण खूबचंदाणी, डॉक्टर लेखवाणी ऐं इन खां अलावा कुझु हिकु ॿ अधु नालो क्लियर कान्हे त उन्हनि जा राय त असां जेकॾहिं हिकु दानेश्वर जा खणी ऐं ॿियनि जा नाला ॾेई करे उनखे जस्टिफाई कजे हा त हली सघे हा। बहरहाल लीले राम रुचंदाणी जो बि हवालो हिन में असांखे मिले थो। बाक़ी जेको पोर्शन उपभाषाउनि में कच्छी जो हिननि ज़िक्र कयो आहे, छो जो हुन इलाइक़े ते हिननि ख़ुदि लोकगीत ते लोक साहित्य ते कमु कयो आहे ऐं कच्छ में जेको आहे उन्हनि जे नज़दीक गुजरात अकेडमी सां वाबिस्ता रहिया आहिनि। जेको कमु थियो आहे उन ते हिननि जेको आहे हिकिड़ो पंहिंजो बि जेको आहे सो उहो नज़रियो या उते जेको कमु थिए थो ऑन द स्पॉट उन ते बि रोशनी विधी आहे। बाक़ी पहिरियनि सिफ़र में कुल ई जेके आहिनि से असांखे ॿियनि दानेश्वरनि जा हवाला उहो इन करे छो जो डॉक्टर लालवाणीअ ख़ुदि उन सब्जेक्ट सां वाबिस्ता आहिनि, उन ते उन्हनि जा किताब छपिजी चुका आहिनि। मयारी सिंधी ॿोली जेका ॻाल्हाई वञे थी किथां खां केतिरी हद ताईं इन जो ज़िक्र मिले थो, काके भेरूमल जा हिननि जेके पहाका बि ॾिना आहिनि ऐं ॿ टे दफ़ा अचनि था ऐं थरी मिसाल बि पेज नंबर छह ते इन पैरा में जेका मां इहे चवंदसि त इहे मिसाल जेके अॻियां आया आहिनि त उहे असांखे सुठा मिलनि था इन मकाले में। डॉक्टर परसे गिदवाणी कच्छी ऐं लासी उन्हनि जा वरी हवाला अचनि था त अञा थोरो अञा जेको मकाले निगार कुझु एनालिसिस करणु चाहे थो त वरी जेको आहे सो हिकु तहक़ीक़ कंदड़ जो जेको आहे हवालो अखियुनि हलो अची वञे थो। लोक अदब जंहिं ते ख़ुदि मकाले निगार बि कमु कयो आहे पेज नंबर ॾहें ते भारत में अचण बाद इहा हिननि हिकु पॉइंट खई आहे फ़र्क़ु न रहियो आहे मकानी ॿोलियुनि जा असर रहिया आहिनि इनखे जेकॾहिं वधाए हा छो जो हीअ अॼु जे दौर जी तक़ाज़ा आहे त ॿोलियुनि जो जेको ज़िक्र मां पंहिंजी व्यू पॉइंट थी चवां ऐं मूंखे जेको आहे जीअं त हिते लिपी जो इतिहास जो बि हिन में सिंधी भाषा मां सरसरी हिकु ॿ पॉइंट ज़रूरु पंहिंजे तरफ़ां जोड़णु चाहींदसि। सिंधी भाषा ऐं लिपीअ जो इतिहास जेकॾहिं लिपि ऐं भाषा जे हवाले सां गुजरात खे हिननि हल्को छुयो आहे कल्ह गुजरात जा ॿ अख़र आया लफड़ो जीअं थींदो आहे महाराष्ट्र ऐं गुजरात में वांदो न आहे यानी नो प्रॉब्लम लफड़ो यानी फॾो जेको आहे इन तरीक़े सां लिपि जे हवाले सां या भाषा जे हवाले सां के ॻाल्हियूं अचनि हा छो जो अॼु मुनी सदी थी चुकी आहे अॼु असां हिते जेके वेठा आहियूं हिन इतिहास में हिते कयूं था त इन दौर जो इतिहास बि हीअ असां जेको पहिरीं लिखियल दानेश्वरनि जा राया आहिनि उन्हनि खे खणी असां पेश करे रहिया आहियूं पर 70 सालनि में कहिड़ो बदिलाउ आयो आहे या उपभाषाऊं हिते भारत में जेको साहित्यकार लिखे थो या उन्हनि में आहिनि या न आहिनि ऐं ॿियनि ॿोलियुनि जा असर पइजी विया आहिनि त इन ते 75 साल 70 साल थी विया सदी पूरी करण वारी हुयसीं असां उन्हनि पुराणनि दानेश्वरनि जा इहे जेके ही नई पीढ़ी वारा अॼु वेठा आहिनि से उहे किताब ॻोल्हे वरी उतां उहे राया खणी करे उनखे हलंदा त हीअ 70 सालनि जो इतिहास जेको आहे असांखां किथे पलांद छॾाइजी न वञे उन ते बि हिन सेमिनार में ज़रूरु रोशनी पवणु घुरिजे हा ऐं के नुक़्ता अॻियां अचणु घुरिजनि हा कल्ह खां वठी मां इहो ई ॾिठो आहे त असां उन्हनि ई दानेश्वरनि जा उहे राया खणी विया आहियूं ऐं हिन में मां हिकिड़ो जेको आहे पॉइंट ॿी बि चवणु चाहींदसि मकाले निगार जे लाइ त उन्हनि जो पंहिंजो तजियो ऐं एनालिसिस उहा जेका आहे सा मूंखे खोट महसूसु कई कयो आहे पर सरसरी नज़र विधियो के ॻाल्हियूं अॻियां आणिनि हा ऐं हिन मौजू ते वधीक कमु करण जी सहूलियत थिए हा जेके आहिनि जिन जो वास्तो न आहे हिन सां मुंहिंजो बि मां एज़ अ तफ़सीरे निगार कुझु आम माण्हू जे हैसियत में जेके पॉइंट्स मूंखे आयूं आहिनि से मां तव्हांजे आॻियां पेश करे रही आहियां।
मां इत्फाक सां कुछ जेके आहिनि से लूज आहिनि या के मूंखे पंहिंजे दिमाग़ में नुक़्ता आहिनि या कुझु मिसाल जेके आहिनि हिकु अधु पॉइंट मां हिते ज़रूरु तव्हां सां वञींदसि। मुंहिंजे ज़हन में के पॉइंट्स आहिनि से मां पछाड़ीअ में शख़्सी आज़मूदे जे आधार ते जोड़णु चाहींदसि ऐं के मिसाल बि पेश करणु चाहींदसि। हालांकि लिपि ऐं हुन भाषा ते हली रहियो आहे त मां ज़रूरु चाहींदसि त मुंहिंजो व्यू पॉइंट बि तबसरे निगाह जे हैसियत में अॻियां अचणु घुरिजे। लक्ष्मण कोमल हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदो हुओ मूंखे घड़ी घड़ी लिखणु वक़्तु वर्बो सिटी त मां लिखंदी हुअसि त उन्हनि खां मां उहो अख़र झटियो कोशिशि कंदी आहियां पंहिंजो तर्जीहो पाण कंदी आहियां त उहा वर्बो सिटी जेका आहे सा न अचणु घुरिजे। ऐं ॿियो उन्हनि ॾाढो फनी चाबुक दस्ती ॿ लफ़्ज़ कंदा मुंहिंजे ज़हन में उहे ॿ लफ़्ज़ जेके आहिनि से अहिड़ा घर करे विया आहिनि त जॾहिं बि मां कुझु चवणु चाहींदी आहियां त मूंखे हिकदमि वर्बो सिटी त नाहे इन में फनी चाबुक दस्ती सां मां उनजो इस्तेमालु कयो आहे या न वरी बि माण्हू रहिजी थो वञे इंसानु आहे। हाणे विचोली हैदराबाद खां नवाब शाह ताईं मयारी ॿोली जो तव्हां बि ज़िक्र कयो आहे अरबी लिहाज़ खां इस्तेमालु कई थी वञे। असांजे इलाइक़े उत्तरादी मुंहिंजो वास्तो तव्हां शदादकोट जो बि महिरबानी आहे हुनखे यादि कयो शदादकोट खे बि त असांजो इलाइक़ो जेको आहे बलूचिस्तान जे बॉर्डर सां मिले थो ऐं उन ते बलोची जो बि असरु पवे थो। ख़ुदि असांजे घर में केतिरा लफ़्ज़ जेके आहिनि से मां पंहिंजे वॾनि खां जेको आहे से झटिया आहिनि त उहे जेके आहिनि से असां इस्तेमालु कयूं था। हिकु अधु मां उहो मिसाल ॾियणु चाहींदसि मां सचल सामी खे असां बि ज़रूरु शामिलु कयूं कल्ह खां शाह जो अचे पियो मिसाल त सचल सामी ऐं जदीद दौर जे शेख अयाज जो हिकिड़ो मिसाल ज़रूरु ॾियणु चाहींदसि भाषा जे हवाले सां ऐं उन्हनि जेको मिसाल ॾियणु चाहींदसि त हाणे सामी चवे थो पढ़े खऊं कुंवारी पुछे सुख सुहाग जो हिन मुर्की ॾिनो मर्म सां बेहद ॾिस भारी पौणे पवंदे पाणे सामी सुध सारी हुलवत जी ख़्वारी वणंदी नाहे बाज़ारि में हिलवत। हाणे इहा जेका मयारी आहे खां लफ़्ज़ ईंदो हुननि खऊं यूज़ कयो आहे त इहो हिकिड़ो सामी जो मिसाल। ॿियो उत्तरादी लहिजो छह अठारनि चार ॻाल्हि चवनि था हेकिड़ी दर दर दीवाननि जा नाहक कयम निहार मिली साध संगत सां बेहद ॾियो वार उते बीठे मंझ बाज़ारि सामी ॾिसी सुपरी। हाणे इन में जेके ॿ लफ़्ज़ आहिनि अरिड़हं जे बदिरां अठारह जेके आहिनि ऐं सचल चए थो ॿिया ई बानप छॾ सचा ऐं अहदियत में लमो दमो लॾ त पाकाई पाक थिए लमो दमो उतरादी लहिजो ऐं ॿिए तरफ़ मयारी में थींदो लमा दमा जेको आहे जिस्म सां वाबिस्ता आहे इहो लफ़्ज़ जेको आहे। ऐं लतीफ़ साईं चयो आहे अंधा ऊंधे वेज खिल कुयारिया खाई असां ॾुखी वेल में तूं प्यारी पेज सूरी जिनी सेज मरण ते मुशाहिदो कुजाड़ो कुजाड़िया इहे जेके ॿ लफ़्ज़ आहिनि ॾाढी लफ़्ज़ आहिनि जीअं तव्हां बि ज़िक्र कयो त कुजाड़ो कहां जेको आहे तोखे मालूम सभु का घणी। आयाज चयो आहे तूं ई मुंहिंजी निंडा तूं ई मुंहिंजी निंडा तूं ई मुंहिंजी जाग मां आहियां तुंहिंजी ॾिभी तूं आ मुंहिंजी जाग आऊं ऐं मां उत्तरादी लहिजो मयारी ऐं लाड़ी में आहियां ऐं आऊं थींदो पर उहे उन में फहिकी बीता आहिनि लफ़्ज़ जेके आहिनि त असां जेके इहे कमु आणियूं था उत्तरादी लाड़ी विचोले वारा जेके आहिनि कच्छी ऐं इन खां अलावा शाड़ीअ में लाड़ी जो इस्तेमालु थियलु आहे हुन बलोची सराइकी अरबी फारसी जो बि इस्तेमालु कयो आहे। बलोचिस्तान ऐं ईरान जे सरहद सां जाबलू इलाइक़ो जंहिंसां मुंहिंजो वास्तो रहियो आहे उन जा हिकिड़ा ॿ पहाका हिन वक़्तु मूंखे ध्यान में अचनि था। हिकिड़ो हू चवंदा दले बादले ज़ालू चवंदी हुयूं त असांखे सम्झ में वॾो अख़र कहिड़ो आहे मां बंदि कयां अंग्रेज़ीअ में
कीवन जरूर जो माना है खुलम खुला खुलम खुला अरे इतना अड़ा के एमलो चवंदा हा इतो पहाको दिंदा लाखो कटे बारी जो खाए त उन पासे जेको आए एरिया में लाखे ते गरम पानी जा चश्मा हुंदा बारी जन में पंज दुकान हुंदा पहाड़ी झलमक्सी इलाको हुंदो हो त माण्हू शॉपिंग कंदा उन पंज दुकानन ता त उहे माला माल थी वेंदा चवंदा लाखो कटे बारी जो खाए अहिड़े तरीक़े सां उहो अहिड़े तरीक़े सां घणेई पहाका मुरविज में आया त मां पंहिंजे जॾहिं शदादकोट जो जेको निकितो आहे त ॿ पहाका उहे हाणे होलीअ में जेके डायलिक्स आहिनि उहे जेके उते इज़ाफ़ो थिए थो हित भारत में मुंहिंजी जो मुनी सदी थी चुकी आहे त उहा ज़रूरु पॉइंट अचणु खपंदी हा रिपीटेशन नथी कयां टेक्स्ट बुक जी जेका मयारी ॿोली असां हिते इस्तेमालु कयूं था त छा उन ते बि थोरी लिपि जे लिहाज़ खां रोशनी विझजे हालांकि उन में उहे भाषाऊं अचनि थियूं या नथियूं अचनि जीअं सिंध वारा उन्हनि खे चवनि था अॼु जे हवाले सां महिरबानी तव्हां मूंखे सदर साहिबु टाइम ॾिनो ऐं डॉक्टर लालवानी खे हिकु दफ़ो वरी वाधायूं मां पंहिंजा वीचार बि हिन मुकाले ते पेश कया सदाई गॾु सदर साहब जी इजाज़त हुजे त मां हितां ई पढ़ां सदर साहब मंच ते वेठल विद्वान ऐं हाज़िरीन विद्वान भाउर ऐं भेनर सिंधी ॿोलीअ जूं उपभाषाऊं विषय ते डॉक्टर जेठी लालवाणी जो मकालो बेहद मालूमाती आहे हुन साहिब चङी महिनत ऐं अभ्यास करे मकालो लिखियो आहे हिकिड़े पासे हुन जो वास्तो नाटक ऐं रंगमंच सां आहे त ॿिए पासे लोक साहित्य सां ॿिन्हीं जे लोक अदब जो बि अभ्यास कयो अथई ॿोलीअ जी वस्फ ऐं हुन जे इस्तेमाल जे ज़िक्र खां पोइ मकाले में सिंधीअ जे मुख़्तलिफ़ उपभाषाउनि जे बारे में मिसालनि सां विचूरवार ॼाण ॾिनी वई आहे अलॻि अलॻि उपभाषाऊं सिंध जे कहिड़नि भाङनि में ॻाल्हाए वञनि थियूं उन्हनि जी जाग्राफ़ी हदुनि जी ॼाण बि ॾिनी वई आहे पर मकाले में कुझु मुंझारो आहे मकाले में मुहावरे लफ़्ज़ जो इस्तेमालु लहजो तलफ़ुज़ ऐं उपभाषा टिन्ही मानाउनि में कयो वियो आहे लहजो माना ॻाल्हाइण जो नमूनो या ढंग तलफ़ुज़ माना लफ़्ज़ जो उच्चार करण जी रीति सतरामदास साहिल जे साहिल कोश में मुहावरे लफ़्ज़ जी माना नज़र न आई अलबत साहिल जी इन ई डिक्शनरीअ में तलफ़ुज़ लफ़्ज़ जी माना लफ़्ज़ जो उच्चार करण ऐं ॻाल्हाइण जो नमूनो इहे ॿई मानाऊं ॾिनल आहिनि हिंदीअ में मुहावरो लफ़्ज़ जंहिं माना में इस्तेमाल में ईंदो आहे उन लाइ असां इस्तलाउ लफ़्ज़ कतबाणींदा आहियूं डिक्शनरीअ में हिक ई लफ़्ज़ जूं टे चार पंज मानाऊं ॾिनल हूंदियूं आहिनि इन लिहाज़ खां त उहे हम माना लफ़्ज़ थिया पर इस्तेमालु करण वक़्तु उहे लफ़्ज़ इंटरचेंजेबल न थींदा आहिनि हर हिकु लफ़्ज़ जो कनोटेशन अलॻि हूंदो आहे इन करे उहे अलॻि अलॻि नमूननि में अलॻि अलॻि जुमिलनि में इस्तेमालु थींदा आहिनि परमानंद मेवाराम जी अंग्रेज़ी सिंधी डिक्शनरीअ में इडियम लफ़्ज़ जी माना ॾिनल आहे मुहावरो वर्जीस ऐं इस्तलाह उन ई डिक्शनरीअ में डायलेक्ट लफ़्ज़ जी माना ॾिनी वई आहे ॿोली ज़ुबान मुहावरो ऐं देसी भाषा असांखे ख़बर आहे त डायलेक्ट लैंग्वेज न पर उपभाषा आहे अहिड़ो विस्तार करण जी मुराद इहा आहे त हिन मकाले में लहजो तलफ़ुज़ ऐं उपभाषा टिन्ही लाइ केतिरा ई दफ़ा मुहावरो लफ़्ज़ जो इस्तेमालु कयो वियो आहे जंहिंसां मुंझारो पैदा थिए थो मकाले जे सुफ़े ॿिए ते लिखियो वियो आहे त दुनिया जी हर ॿोलीअ जे उच्चारण जुमिलनि जे सर्फ़ी ऐं नैवी यानी ग्रामर जे अलॻियुनि सबबि केतिरनि ई मुहावरनि उपभाषाउनि उप उपभाषाउनि ऐं डायलेक्ट में विरायल हूंदी आहे इन मां इहो इशारो थो मिले त मुहावरो ऐं उपभाषा अलॻि अलॻि आहिनि
लाड़ी छा जी जगह ते कुजा या कुरू लफ्ज खत्म आनीदा है छा तो करी के लाड़ी चवंदो कुजा उपयोग करिए हाने छा जी जगह ते कुजारो या कुरा कुरो लफ्ज खत्म आने के तलफुज थे जी या मुहावरो थे जी मिसाल दीने वक्त हर हंधि मुहावरो लफ्ज इस्तेमाल कई विया है कच्छी जो जिक्र कंदे मकाले में मिसाल दिनो विया है आऊं वन्या तो खे कच्छी में आऊं वन्या तो जी जगह ते तो चय वेंदो आए यो सच आए तो कच्छी में तो जी जगह ते तो लफ्ज खत्म वेंदो आए पर कच्छ में साढ़ा पंज साल रहंदे मु कच्छी गालिंदड़ के बुद्धू आए तो वे माँ वन्या तो जी जाए ते आऊं बिना तो चवंदा है वन्या न न न ने मुन जी जगह ते नू नथ जो इस्तेमाल थींदो आहे असा आम तौर माँ लफ्ज इस्तेमाल कंदा आयूं पर लाड़ी कच्छी ए सिंधी मुसलमान माँ जी जगह ते आऊं चवंदा है ग्रामर जे हवाले में एक अंध मिसाल दिनो वियो आहे त जेके इस्म ॿियनि अंत मुज़क्कर आहिनि उहे सिरे में मोनस आहिनि जहिड़ो की रत निकती ग्रामर जे लिहाज़ खां रत मुज़क्कर आहे निकती मोनस आहे पर इते इन खे चङी रीति सम्झाए चयो चिटो न कयो वियो आहे छो जो ग्रामर में कॾहिं कॾहिं इन क़िस्म जा अपवाद बि ईंदा आहिनि मकालो लिखण वक़्तु इहो न विसारणु घुरिजे त उहो सिर्फ़ु माहिरनि लाइ न आहे सेमिनार में माहिरनि खां सवाइ विषय में दिलचस्पी रखंदड़ बि हिसो वठंदा आहिनि जेके ॼाण हासिलु करणु चाहिनि था हिते तव्हांखे केतिरा ई नौजवान नज़र ईंदा त उन्हनि खे तकनीकी विषय जी हालति में तकनीकी लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदा ई पर उन्हनि खे सवली ॿोलीअ में सम्झाइणु घुरिजे इन मकाले में केतिरा उर्दू फारसी लफ़्ज़ इस्तेमालु कया विया आहिनि जहिड़ो ताउन सकाफ़ती सूबा माशी ताउन माना सहकार सूबा माना राज्य ऐं सकाफ़ती माना सभ्यतिक सिंधीअ में असीं भाषा ऐं ॿोली लफ़्ज़ जो इस्तेमालु हिकु ई माना में कंदा आहियूं पोइ ॾिसजे त भाषा ऐं ॿोली अलॻि ॻाल्हियूं आहिनि हिंदी भाषा आहे भोजपुरी ॿोली आहे इहो मुंझारो जेको आहे सो सिंधीअ में उन जे बारे में मुंहिंजी मां चाहींदुसि त विद्वान पाण में वेही करे इन मुंझारे खे जेकॾहिं चिटो कनि त वधीक बहितर थींदो महिरबानी डॉक्टर लालवाणी हिकु मिंट घुरियो आहे उनखे मिंट ॾियूं था पिया तंहिंखां पोइ ॿ मिंट महिरबानी सदर साहिबु हे त मां हिननि पंहिंजो शुक्रगुज़ार आहियां विद्वाननि जो जंहिं मुंहिंजे मकाले ते पंहिंजा राया पेश कया केरु आया बि पेश कया कुझु जोड़ियो पर जोड़ियो उहो वियो आहे जंहिंजो मुंहिंजे मकाले सां को वास्तो कोन्हे मिसाल अखर जेकॾहिं कोई अचे थो किथे या लफ़्ज़ कंहिं जुमिले में अचे थो त उहो लहज़ो नथो बणिजे लहज़ो हिकिड़ो पंहिंजो अलॻि जेको आहे सो जुमिलनि में जॾहिं जॾहिं कमु अचे थो उहो लहज़ो पंहिंजे जुमिले में जॾहिं सभु हिकिड़े अखर सां उहो लहज़ो कोन बदिलजंदो पर उहो लहज़ो जेको ॻाल्हाइण सां जेको घुरे थो उन में भली उहे लफ़्ज़ ईंदा हुजनि हिकु अखर अचण सां लहज़ो बदिलजंदो मां सम्झां थो त मूंखे ॻाल्हि सम्झ में मूंखे सम्झ में घटि कोन थी आहे नंबर ॿियो जेके असांजे विद्वान चयो त भई जेके मुहावरा लफ़्ज़ या लहज़ा इहे अखर मुंहिंजा कोन्हे लिसानियात जा जेके बि विद्वान आहिनि जिन बि सिंधी ॿोलीअ ते किताब लिखिया आहिनि इहे लफ़्ज़ उन्हनि उन्हनि में कतब वाइपे में आंदा आहिनि जीअं मिसाल मां तव्हांखे ॿुधायो बाख़्तियार अदारे वारा जिन उन्हनि क्लासीफाइड कया आहिनि जंहिं ते हींअर किताब निकिरी रहिया आहिनि मां सम्झां थो त पंजनि खां छह किताब त असां वटि हिंदुस्तान में बि पहुची विया आहिनि उते हिननि जेको आहे सो उपभाषा कम लफ़्ज़ कोन आंदो आहे पर उते हिननि कमु आंदो आहे लहज़ा जीअं मां तव्हांखे ॿारहं लहज़ा जेके उन्हनि जा ॿुधाया न मुहावरो सारो जीअं मयारी मुहावरो उतरारी मुहावरो माचकी मुहावरो ही जेके हिननि कम जेके हुननि जेके डॉक्टर मोहम्मद खातिब पंहिंजे कमाने बाख़्तियार अदारे वारनि उन्हनि खे वरी ॿिए नमूने में उन्हनि जी विरासत कई आहे प्लस जेको हींअर उते जेको कमु थी रहियो आहे जेको अञा हिंदुस्तान में न थियो आहे भाषाउनि जे उपभाषाउनि जे उपभाषाउनि खे हिते बि उन्हनि खे जेको आहे सो
असांखे मिसाल ॾेई रहिया आहिनि ऐं उहे मिसाल मूं वटि आहिनि पर उहा एॾी गुंजाइश कोन्हे त मां हिकु हिकु उपभाषा खे खणी करे उन जे तह में वञा ऐं उन जा जीअं हिननि मिसाल ॾिना जेके बैत ॿुधायूं स्वामीअ जा फलाणे जा उहो मां एतिरा मिसाल ॾियां त मूंखे लॻे थो मूंखे हिकिड़ो सॼो किताबु लिखणो पवंदो या मूंखे पी एच डी करणी पवंदो पर हिकु पर मां मिसाल ॾिना आहिनि कहिड़ा लहज़न में कहिड़ा लफ़्ज़ कहिड़ा इस्तराफ़ा का कम था अचनि या कहिड़ा जुमिला कतब था अचनि उहे मूं हिकिड़ा ख़ाली थोरनि में मिसाल तौरु त सुभाणे ईअं न चवे कोई बि त भई छो भई जेको ठरी लहज़ो आहे उहो कहिड़ो आहे हुनमें कहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि त उहो मिसाल ॾियण जे लाइ जेको आहे सो मूं हुन में उहे मुख़्तसिर में तमामु थोरे में इस्तराफ़ा का कुझु ॾिना आहिनि जंहिं भई ॻाल्हि खे वाज़े करे सघिजे जीअं सम्झो सभिनी खे सम्झ में अचे जेको असांजे विद्वान पंहिंजे कच्छीअ जी ॻाल्हि थो करे त मां विद्वान खे ॿुधायां त कच्छीअ में बि लहज़ आहिनि कच्छीअ जे कच्छ जे अंदरि बि जेकॾहिं तव्हां वेंदव जीअं जीअं तव्हां अंदरि वेंदव तीअं तव्हांखे कच्छीअ जा अलॻि अलॻि लहज़ा मिलंदा उन्हनि लहज़ननि में जेको हिननि मिसाल ॾिनो आहे उहे बि जेको आहे सो ॻाल्हाइण जो ढंग जेको आहे उहो बि घणनि हंधि बदिलियल आहे तव्हां पंज साल रहिया आहियो उते मां त उते रहां थो जेको मूं मिसाल ॾिनो आहे जेको मूं बि ॿुधो आहे मूंखे पंहिंजो ख़ुदि जो शख़्सी हथु हूंदो आहे तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त मां जनम भूमि मुंहिंजी सिंध आहे पर कर्म भूमि मुंहिंजी कच्छ आहे ऐं ख़ासि करे बनी इलाइक़ो आहे त इन हिसाब सां त भई जेको हिकु हीउ तरीक़ो न पर हीउ तरीक़ो अचे त इहा तरीक़ा असांजे सिंधीअ में बि घणेई आहिनि ऐं जेका बि असांजी ॻाल्हि कई त हिंदुस्तान जा जेके 75 साल थिया आहिनि उन में जेके लहज़ा आहिनि उन्हनि जो बि जेको आहे सो थियणु खपे मां उन्हनि जो ज़िक्र कयो आहे त लहज़ा हींअर रहिया ई न आहिनि केतिरनि एरियाउनि में मिक्स थी विया आहिनि न सिर्फ़ु मिक्स थी विया आहिनि पर ॿियनि लहज़नि जो बि उन जे मथां जेको आहे सो असरु पइजी वियो आहे हा ॾिनल आहे जीअं काठियावाड़ी लहज़ो आहे सौराष्ट्री लहज़ो आहे कच्छी लहज़ो आहे त असांजा सिंधी जेके ॻाल्हाइनि था जेके लाड़ी आहिनि जेके लाड़ी आहिनि उहे काठियावाड़ी लहज़े में था ॻाल्हाइनि पर उहे उहो लहज़ो उनजो अञा अभ्यास असां जॾहिं कयूं तॾहिं थींदो सिंधीअ जो सोडगीअ जो जतकीअ जो मेघवाड़ीअ जो हींअर अभ्यास थी रहियो आहे पर अञा उहे नतीजा ॿाहिरि कोन आहिनि ऐं अभ्यास में तव्हांखे ख़बर आहे टाइम लॻंदो ऐं मां जंहिंजो अञा अभ्यास पूरो ई न थियो आहे ऐं मां उनजा हिन में मिसाल किथां खणी चवां ऐं खणा थो न ॾिसां न बि हुजे छो त इहो इल्मु लेसानात जो कमु आहे भाषा विज्ञानी जो कमु आहे इन करे तंहिं हूंदे बि मूं हुन में ज़िक्र कयो आहे जिन करे तव्हां ॾिठो हूंदो त उहो लहज़ा बदिलजी विया आहिनि ऐं हींअर उन्हनि में कोई असांखे न लॻे कोन थो ऐं बदिलाव ईंदो उहो मूं पहिरीं चई छॾियो ॿियो हिननि जेको चयो भई हवाला हवाला मां पंहिंजी ॻाल्हि खे तस्दीक करण जे लाइ विद्वान जा हवाला ॾिनी ऐं इहा मकाले जी तहक़ीक़ जी हिकिड़ी गुंजाइश दोस्तो यार मूंखे बिना माइक जे ॿारनि जे अॻियां ॻाल्हाइण जी आदत आहे ॿार उते वेठा हूंदा आहिनि जेके हरि दोस्तो डॉक्टर जेठे लालवाणी जो मकालो चङो तफ़सीलनि सां सिंधीअ जे उपभाषाउनि खे अंडरलाइन करे थो असीं हिन ताईं जेके मकाला पढ़िया आहिनि ॿुधा आहिनि इहे सभु ॻाल्हियूं जिते इहे सभु जेके असां विद्वान वेठा आहियूं असांखे ॼाण आहे उहे दोहराव पियूं थियनि पर उहो दोहराव जेके पुठियां नौजवान वेठा आहिनि उन्हनि लाइ कारगर आहिनि ऐं असां बि के ॻाल्हियूं जेके भुलिजी विया आहियूं उहे वरी असांजे ज़हन ते ताबियूं थियनि थियूं हिन ॿिनि दोस्तनि बि लालवाणी जे मकाले ते चङो ॻाल्हायो भेण वीना त मकाले ते मकालो पेश कयो शाबाश अथसि ऐं सुठियूं ॻाल्हियूं चयईं ऐं असांजे हिन दोस्त जेको हिकिड़ो मुहावरो ऐं उपभाषा जो जेको अलॻि तफ़ावत वॉन्टेड
to have the difference between the two minds of सहमत है. Everybody यो जरूरी ना है. Listen to me. माँ linguistic के मालूम ना है पर माँ चाहता है. Linguistic पढ़ाया तो linguistic पढ़िया है. I know what linguistic is. हरूबर यो जरूरी ना है सिंध में जेकर को स्कॉलर एक लफ्ज रखे अस उनके ब्लाइंडली फॉलो करूँ उन विषेद करूँ जे अस विद्वान आन उन वीचार की दे वट कर भाई बराबर यो एक्सेप्टेबल है या न खास कर उ जे इन मौजू की जान रखा दोस्त पेपर सुठो है मां उनके शाबाश दिया तो सचपच मुबारक दी है जो हथन में खिसकंदड़ माव की बोली ते असी सब आलम जुदा जुदा भारत के कुंड कर्श में वक्त बचाए अजकल असा सब कुछ आए वक्त ही रुगो वक्त ही कोई कोई भी एडा विद्वान वक्त बचाए इत आया है ऐसो केतो शांति ए सबर से बुधो सब हथ में खिसकंदड़ बोली ते असी विचार कर वेठा तो इन बोली के कि बचाजे ए सदारो कि बनाए छो तो असें खबर आए तो बोली कें भी जाति की सुणप आई बोली वही असि उन भेण एक कपड़े पढ़ो जिंद साको जबानी जबान जिंद सारू असान हिंदी के माहिर कराया अला ये न थे जो किताब में पढ़े वही सिंध सिंध यो बराबर चिंता जो विषय है इन चिंता जे के विचार कर उन ही चिंता से चिंतन करने लाए मोहनी असि इतने आया हूँ कहीं वक्त बचाए अज की जो पुछा है नौजवान मुझे दिसने में अचन था मां तो रोज नौजवान दिसो कॉलेज में हूं ही नौजवान है जै कॉलेज में इन उम्र में भी प्रिंसिपल पद्धति आया छो आया भगवान आई एम ऑक्यूपाइंग द हेड चेयर ऑफ हेड इन दिस एज And I am the approved principal of the University of Mumbai. This is for information. Anyhow, the वह जवान है इन जवानों के भी खबर पवे तो असानी बोली कहरी कोहनी आए उन्हें जो गुण बुनियाद बिठे आए उन्हें डायलेक्ट जड़ी आएन हैं ऐसे केरन केरन अंदर ते गलाई होने दियो ऐं केरो केरो तफावत करने लग दियो तो भली असान जो है कि दोहराव थे भली असा पढ़ल बुधल गेहद दोहरा दोहराव भी जो है यूजफुल है कराया है लिपि सवाल उठो किन दोस्त लिपि बदलानी है छा लिपि अस बदलूँ था असि चाहूँ था तो बार सिंधी जे माँ की सिंधी बोली से उनो रबो रहे हाँ एक सेमिनार उन भेण एक जिक्र किया सिंध में सेमिनार थो सिंध में सेमिनार थो तो 150 साल गुजरी वे इन अल्फाबेट अंग्रेजन असि दिनी वो विचार कर वेठा तो इन अल्फाबेट में सुधार किए कजन सुधारो जो है का भी जिंद बोली जहाँ तफावत अंतर असर खणंदी है हाँ डायलेक्ट जो सवाल है इन भेण जो सवाल बराबर है लालवानी किताब में इन पेपर में थोड़ा वाज़ह किया है पर अजा सम मोर डिटेल इफ ही हैड गिवन इट वाज बेटर बेटर एंड बेटर तो आज़ादी का हिंदुस्तान में असि सिंधी जैसे बोली गालू था तो असि हर हर चौदह सिंध में ये गाल जी सिंध जो बावड़ो सिंध फलौन जो आखिर हिंदुस्तान की गाल करूँ ना हिंदुस्तान जो वसी मुल्क है महाराष्ट्र है गुजरात है राजस्थान है यूपी है उतें क्या असि बोली बिन बोली जो असर थे उन्हें सम डिटेल सम मोर एग्जाम्पल फॉर
ऐं उपभाषाऊं जेके चऊं था असीं असांजे भारत में कहिड़े कहिड़े आहिनि। इहो त हक़ीक़त आहे त असांजी जेका हिकिड़ी स्टैंडर्ड विचोली ॿोली आहे जेका असीं किताबनि में चवनि था ऐं घणो करे उहा साॻी आहे, पर स्टिल वेन वी यूज वी पीपल ऑफ सिंध इंडिया त जेके सिंधी ॿोली ॻाल्हाइनि था उन्हनि जे लहजे में तफ़ावत आहे। हिकिड़ो मिसाल मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि, दादी टाइम आहे न, मां 1970 में मुंबई यूनिवर्सिटीअ में एम ए पढ़ंदो हुउसि। लिंग्विस्टिक मुंहिंजो पहिरियों मूं इंग्लिश कई, पोइ हिकिड़ो बेंगाली प्रोफेसर हो चई लच्छानी यू आर टीचर, मां चयो ये सर आई एम टीचर, चई यू विल नॉट क्लियर द एम ए इफ यू आर ऑफरिंग द इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, मां चयो वाए, चई नो दिस इज़ अवर रिकॉर्ड। पोइ मूं उहो अंग्रेजी सब्जेक्ट छॾे मूं लिंग्विस्टिक कई, पोइ जेको लिंग्विस्टिक मुंहिंजे पासे में जिते मां रहंदो हुउसि तंहिं वक़्तु मां हिकिड़ी बैरक में रहंदो हुउसि, बैरक नंबर 590 जिते मोतीलाल जोतवाणीअ मूं ज़िक्र कयो, उहो 590 में मूं वटि आयो हो, मूं वटि राति टिकियो हो, मुंहिंजे माउ जे हथ जी भोरी खाधी मोतीलाल जोतवाणी, जंहिंजो किताबु असां कल्ह रिलीज़ कयोसीं। त मुंहिंजे भरिसां हिकिड़ो ॾखण परिवार रहंदो, उहे उबावड़े मां आया हुआ, उन्हनि जी ॿोली उबावड़ी हुई। पोइ मूं जॾहिं पंहिंजे प्रोफेसर सां उन लिंग्विस्टिक जे पढ़ाईंदो इहा ॻाल्हि कई, चई यार इन माण्हू खे वठी अचु, ऐं आई टेल यू उन माण्हूअ खे मां वठी वियुसि, हिन उन सां गुफ़्तगु कई ऐं उनजो रिकॉर्ड कई उनजी ॿोलीअ जी, जेको ढंग हो ॻाल्हाइण जो या लहिजो जो। त असांजे हिंदुस्तान में एट प्रेज़ेंट जेके डायलैक्ट्स आहिनि उनजो असरु असांजे हिन हिंदुस्तान में जेका असीं सिंधी ॿोली ॻाल्हायूं था उन ते कीअं पियो आहे, या जेके राइटर्स आहिनि शेख अयाज़ मिसाल में, त असांजे हिंदुस्तान में कुझु राइटर्स आहिनि न जेके उन्हनि हिसनि जा हूंदा उनजे कविताउनि में या उनजे प्रोज़ में या उनजे ॿियनि ॿोलीअ में उहो लहजा कीअं आया आहिनि। If he has given some more examples from the present literature, I think the paper would have better and better. Thank you very much.